नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अभिनव रावत, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे माँ भगवती की पूजा का वीडियो। जब हमारे घर में कुछ अच्छा होता है या खुशी होती है तो हम माँ भगवती की पूजा करते हैं। तो वह अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से कि कैसे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करते हैं। बने रहें। और यहाँ पे चल रही है प्रसाद बनाने की तैयारी और वहाँ पे बन रही है पकौड़ियाँ। और ये है दीदी जिनकी पूजा है, सोमी दीदी। और यहाँ पे चल रहा है लंच बनाने का काम, जो दिन का लंच बनाया जाएगा। और ये देखिए प्रसाद में पानी, गुड़ का, और ये पूरियां, पकौड़ियां। देखिए ये प्रसाद तैयार हो रहा है मंदिर के लिए। और ये है वो घर जिस घर में पूजा हो रही है। अंदर अभी देवताओं का आवाहन हो रहा है तो वो मैं दिखा नहीं सकता। देखिए बर्तनों को कैसे यहाँ पे राख से पोता गया है। ये है डमरू जिसके साथ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और देवी देवता प्रकट होते हैं। और ये चावल के लिए पानी चढ़ चुका है। इस पतीले में बन रही है दाल। और गुरु जी के पास है टमाटर सेक्शन और बड़ा वहाँ पे प्याज नहीं क्या गर्दन सिंह है जी काट रहे हैं। एक बियान है पर वो दो लोग सिर्फ देख रहे हैं तमाशा। ये देखो जब भी निकले वो थीज करेंगे तो मुझे डाल दे। और उस जगह पे होगी माँ भगवती की पूजा, उस लोकेशन पे। और जिन पे माँ अवतरित होती है उनका इंतजार किया जा रहा है। वो आ चुकी है यहाँ पे, कुर्सी में बैठे हैं। यहाँ पे लग रहा है टीका सभी को। इसी के साथ अब मंदिर जाने की तैयारियां। तो चलिए अब चलते हैं उस सफर की ओर। तो अब ये जो डोली जा रही है माँ की, ये जाएगी मंदिर में उन पहाड़ियों पे। हाँ, Thank you.
तुम्हारे बिना चप्पल जाने तो यहाँ पे दीदी नंगे पैर चल रही है। अरे दीदी माफ कर दिया दीदी, मैं आगे घुमाए गया। नीचे देखिए गोबर बिछाया हुआ है और आगे पत्थर ही पत्थर होंगे रास्तों में। तो ये देखिए पूजा का सामान दीदी के सर पे, चुन्नी तेल जो जो सामान है। हमारे भाई भरत सिंह जी और धूप देखिए कितनी तेज है। ये रास्ता है जंगल जाने का और पत्थर देखिए यहाँ पे, और दीदी बिना चप्पलों के जा रही है। बहुत थक लग रही है और चल तो पा नहीं रहे हम, पर बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई ने हमारी बहुत सुनी, और उस माता की कृपा है। हम माँ भगवती बोल रही है कि तुम्हें थकान नहीं लगेगी। देखो कैसी कढ़ाई दे रखी है, ब्लैक ब्लैक कपड़े पहन रखे मैंने और इनका ब्लैक कढ़ाई। मैंने अपने भाई भरतू को, वो है हमारा गांव चौनकोट चौबट्टा खालवी आना मेरे लड़की की शादी में, तो इन्होंने बोला मेरे में टाइम ही नहीं है, है? पर बड़ा साथ दे रहा मेरा भाई, टाइम नहीं है बहुत साथ दे रहा। रानी पहाड़ों में जहाँ जहाँ मंदिर होते हैं अपने भाई भरतो का ब्लॉग देखती हूँ, ऊंची चोटियों में क्या बोलना भाई आप बताओ। तो हमें सारे मैके के सारे लोगों को हम देख देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। इस टाइम मेरी ये टोकरी रखी हुई है सर में, भगवान की पूजा की, इसमें हर सामान है ना। और आगे आप बोलो दिलांबरी, ये कढ़ाई कैसे आपको अच्छी लग रही कि बेकार लग रही? अच्छी क्या है, हम तो इसमें हैं, इस कढ़ाई से खाना खाते हैं। अब आगे बोलो रामनगर वालों, रामनगर वाले सब हैं, रामनगर वाले कैसे ले जाओ, रामनगर वालों आप भी बोलो। मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं सभी। जी तो थक गया, चिट्ठी बोलेगी बड़ी चिट्ठी, बड़ी चिट्ठी भी थक गई। और अब मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं और ये रहा मंदिर। माँ भगवती अब यहाँ पे होगी पूजा अर्चना। ये रहा माँ, वो रहा माता का मंदिर।
और अब चलेगी मंदिर में पूजा। सुपर क्यूट बच्ची। यहाँ की पूरी फुटेज मैं दिखा नहीं सकता हूँ। और वो लोग जिस थाली में टीका होता है, चावल होते हैं, वो घर भूल आए। फिर वापस किसी को बोलना पड़ेगा। और साथ में प्रकृति का खूबसूरत सा नजारा। माँ भगवती की पूजा में जो भेंट की थाली चाहिए होती है वो लोग भूल चुके थे घर पे, अब उसको लेके आ रहे हैं गोलू। दिक्कत ही हो जाएगी, पता नहीं भाई जो बोलने ले जाओ ले जाओ है क्या डडोल भी है क्या तुम्हारी कपड़े कैन कैन जिम का कपड़े नहीं जाओ मैं मोर नहीं जाओ। और अब हम आशीर्वाद लेंगे। पैदर बड़ा ना प्रसाद ले जाओ, सब प्रसाद 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 ले जाना। इसी के साथ पूजा संपन्न हो चुकी है और अब प्रसाद वितरण होगा, सभी को प्रसाद दिया जाएगा और फिर सभी अपने अपने घरों में जाएंगे, वहाँ लंच करेंगे, यानी कि भंडारा। ये भी ठीक बाल। ये देखिए प्रसाद सब हो जाए ना। अरे यार कोई है नहीं और इसके बाद सभी लोग घर जाएंगे। चलो चलो प्रसाद ले तुमने, चलो 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 प्रसाद ले जा यार, मेरी फसल बेचार ले जा यार, ले जा गुंडू यार तब पिता ले जा लग अरे थोड़ी निकल कब आ क्या अरे अरे आ जान रे। तो ये अब लंच टाइम हो गया, यानी कि पूजा के समाप्ति के बाद सब मिले खाने का, पूरे गांव वाले खाने वाले। दांत साफ कर लिए, दांत बड़े निकल रहे हैं। तो कैसे लगी आपको? बोलो हैं, अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये है पूजा का समाप्ति और जो बर्तन पंचायत से लाए गए थे उनको वापस किया जा रहा है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम।